देखिए, पहली बात है कि हमारा और उपेंद्र जी का रिश्ता बहुत पहले से ही है, आप तमाम लोग जानते हैं, और हम दोनों लोग एक एक वैचारिक और राजनीतिक रूप से साथ है, हम लोग खड़े उस वक्त क्या कुछ रहेगा। देखिए, 2024 में हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में हस्तक्षेप करेगी और मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय लोक जनता दल की इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर आपको क्या लगता है? देखिए, इस पर हम लोग शिविर में निर्णय लेंगे। मैंने कहा, आप लोगों को पहले ही बताया कि निर्गत सवालों पर शिविर में निर्णय होने वाला है। अभी तो कोई पार्टी की बैठक हुई नहीं है, लेकिन जब बैठक होगी और किनके साथ हमारा संशय होगा, चूँकि गठबंधन का दौर है, इतना तो सच है, लेकिन हम फैसला हो जाने के बाद आप लोगों को जरूर बताएंगे। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं, वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। आपको फरातेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड, सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। कहना चाहेंगे सर, काफी जोरदार तरीके से आपके कार्यकर्ताओं ने गृह जिले में आपका स्वागत किया। देखिए, हम तो अपने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि इस खेती के व्यस्त मौसम में गेहूं की कटनी लगी हुई है, लू भी चल रहा है, इसके रमजान का भी मौसम है, इसके बावजूद भी लोग हजारों की संख्या में यहां पहुंचे हैं। यही नहीं, हम देख रहे हैं कि आपको वहां परसा बाज़ार में भी लोगों ने हमारा स्वागत किया, फिर आगे आए सोनोहों में लोगों ने किया, पचौड़ौर बाज़ार पर किया, अमनौर में किया, तरैया में, और फिर मशरख में, बसंतपुर में, फिर हम अपने गृह जिला आप लोगों के बीच यहाँ पर हैं जी। क्या लग रहा है कि जिस उम्मीद के साथ कुछ उन्होंने सोचा होगा उपेंद्र कुशवाहा जी ने, और उसके बाद से आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया गया, किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, पहली बात है कि हमारा और उपेंद्र जी का रिश्ता बहुत पहले से ही है, आप तमाम लोग जानते हैं, और हम दोनों लोग एक वैचारिक और राजनीतिक रूप से साथ हम लोग खड़े हैं, और इन्हीं परिस्थितियों में राष्ट्रीय लोक जनता दल का निर्माण हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय लोक जनता दल आने वाले दिनों में जमीनी स्तर पर काफ़ी मजबूत होगी, क्योंकि पार्टी की ओर से पहली बार एक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है 28, 29 और 30 मई आपको अप्रैल को राजगीर में होने जा रहा है। उसी में हमारी पार्टी का जो दृष्टि पत्र है, और या उसके कहिए कि पार्टी का आधिकारिक दस्तावेज उसमें पेश किया जाएगा, जिसमें हमारा अपना रास्ता क्या हो, उसमें नीतिगत बहुत सारे फैसले लिए जाएंगे, कृषि के क्षेत्र में, रोजगार के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, हेल्थ सेक्टर के सवाल पर, तमाम चीज़ों पर बहस होगी, और देश के कुछ विशेषज्ञ भी लोगों को वहाँ बुलाया गया, इनवाइट किया गया है, कि खास करके इकोनॉमिक्स के सवाल पर, जो अभी जो पूरा क्राइसिस चल रहा है, रोजगार का जो संकट है, उस पर एक रास्ता हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। सामने 2024 का चुनाव होगा और एक बड़ी जिम्मेवारी 2024 की होगी, प्रदेश को किस तरीके से चलाएंगे, क्या होगा, रालोजत की स्थिति उस वक्त क्या कुछ रहेगी? देखिए, 2024 में हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में हस्तक्षेप करेगी, और मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय लोक जनता दल की इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में केंद्रित हो जाएगी। आने वाले समय में क्या लग रहा है, उपेंद्र कुशवाहा जी किसके साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर आपको क्या लगता है? देखिए, इस पर हम लोग शिविर में निर्णय लेंगे। मैंने कहा, आप लोगों को पहले ही बताया कि निर्गत सवालों पर शिविर में निर्णय होने वाला है। अभी तो कोई पार्टी की बैठक हुई नहीं है, लेकिन जब बैठक होगी और किनके साथ हमारा संशय होगा, चूँकि गठबंधन का दौर है, इतना तो सच है, लेकिन हम फैसला हो जाने के बाद आप लोगों को जरूर बताएंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं रमेश सिंह कुशवाहा का जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है, तमाम तैयारियां यहां पे, तमाम
जो उनके समर्थक हैं वो तरवारा की धरती पर यहाँ पर सिवान में पहुँच करके और जोरदार तरीके से स्वागत कर रहे हैं अपने नेता उपेंद्र रमेश सिंह कुशवाहा का। रमेश सिंह कुशवाहा सिवान के रहने वाले हैं और रालोजत के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। सिवान जैसे ही पहुँचे हैं उनके कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तरवारा में इनका स्वागत किया जा रहा है और विजय सिंह कुशवाहा हो या फिर स्मृति कुमुद हो या फिर तमाम कार्यकर्ता रिजवान अहमद हो, ये तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और अपने नेता रमेश सिंह कुशवाहा का जोरदार तरीके से फूलों का माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। यहां से इनका काफिला सिवान की तरफ जाएगा और उसके बाद से कई जगहों पर माल्यार्पण करेंगे, फिर जीरादेई होते हुए ये मैरवा जाएंगे। मैरवा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कुशवाहा जी, क्या कुछ कार्यक्रम है आज का, क्या कुछ कार्यक्रम है अभी? तो यहाँ से हम जाएंगे और आगे माल्यार्पण होगा जयप्रकाश बाबू के मूर्ति पर, उसके बाद अम्बेडकर साहब पर, चंद्रशेखर जी के मूर्ति पर, उसके बाद मैरवा में राजेंद्र पार्क पर एक सभा होगी। मैरवा में राजेंद्र पार्क पर सभा होगी? जी जी। वहाँ पे सभा में किस लिए क्या सभा होगी, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? वहाँ पूरे जीरादेई विधानसभा से, दरौली विधानसभा से जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं सब आएंगे वहाँ पे, सब लोगों से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे और वहाँ का स्थानीय लोग भी अपनी बात रखेंगे। चलिए, बिल्कुल। तो ये रमेश सिंह कुशवाहा हैं जो कि रालोजत के प्रदेश अध्यक्ष तौर पे इन्हें चुन करके और भेजने का काम किया है उपेंद्र कुशवाहा ने। देखना होगा कि इनके प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से बिहार की जो राजनीति होगी वो किस करवट लेती है, ये तो खैराने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सिवान। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में खुल गया बच्चों के लिए एक से एक बढ़कर डिजाइनर कपड़े व बेहतरीन खिलौना का बड़ा स्टोर firstcry.com, बिगेस्ट स्टोर फॉर लिटिल वंस, छपरा रोड सिवान, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे छोटे छोटे बच्चों के लिए डिजाइनर कपड़े, सैंडल, शूज, खिलौना, पैंपर्स के साथ और भी बहुत कुछ बिल्कुल उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब देर किस बात की, आज ही चले आइए firstcry.com, बिगेस्ट स्टोर फॉर लिटिल वंस, शिव चौधरी कॉम्प्लेक्स, बिजली ऑफिस के सटे, छपरा रोड सिवान। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन, सिवान न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड सिवान। कॉल करें 9431871300। सिटी मोंटेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। CBSE करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था, नए सत्र में नामांकन प्रारंभ, स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा, एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मोंटेसरी हाई स्कूल सा कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 9934989245। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बरहरिया रोड त्रिभेरिया सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एप्लीसिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट, कॉन्टेक्ट करें 06154245710790305562। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, जहां डॉक्टर मधुरेश कुमार के द्वारा स्पाइन नस की सर्जरी, घुटना कुल्हा प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा घुटने कंधे की सर्जरी किया जाता है, वही डॉक्टर अलका सोनी चौधरी स्त्री एवं प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ द्वारा बाजपन का इलाज, वही स्त्री एवं प्रस्तुति रोगों से संबंधित सभी ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपतियों के लिए भी सुविधा, बार बार बच्चा खराब होने का इलाज भी किया जाता है, 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, घर वरन मार्केट, गौशाला रोड सिवान। संपर्क करें 7209276765, 9852855666।